अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं चिकन क्रिस्पी पैटीज़ लेकर आई हूँ आपके लिए, बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने शिमला लिया है, एक पाव थी, जिसको मैंने चॉप करके रख लिया है, छोटे छोटे पीसीज में काट लिया था, इसको चॉप नहीं किया था मैंने। चिकन है ये, मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है, बोनलेस चिकन है, एक पाव है, ये देखें छोटे छोटे पीसीज हैं इसके। और मायोनीज है हाफ प्याली है हमारी, और एक प्याज लिया था जिसको मैंने चॉप कर लिया छोटे छोटे पीसीज में, ये देखें। ब्रेड लिया है एक पैकेट पूरा। अब मैं इसके, ये देखिए ऐसे इसके पीस बनाने हैं गोल गोल, मैंने ग्लास के साथ बनाए हैं, ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं, ऐसे ही बनाते जाना है। ये जो है इसके साइडें बच रही हैं, हम लोग इसको ज़ाया नहीं करेंगे, तो मैं इसके ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये मैंने चिकन में डाल लिया हाफ कप पानी, और दो तीन लहसुन के थे जवे जो मैंने चॉप कर लिए थे, और तीन मैंने डाली हैं सोया सॉस टेबल स्पून, और दो हम लोग डालेंगे चिली सॉस, ये भर के डालिएगा। अब सिरका है, दो चम्मच मैंने डाले हैं सिरके के, सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इनको 5 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया मैंने, और मैंने चूल्हे पे रख दिया, आपने हल्की आंच पे रखना है इसको। काली मिर्च डाली है हाफ चम्मच, ज़रा मिर्च मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला है, नमक 1 टेबलस्पून है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम, जब तक पानी खुश्क हो रहा है इसका, और इसी में गोश्त गल जाएगा, फिर हम इसी में इसके छोटे छोटे और पीस कर लेंगे, कीमे की तरह बन जाएंगे ये। ये देखिए पक रहा है, ये ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी हैं, जिनके मैंने पीस बना लिए हैं, ये देखें कितने गोल गोल हैं, कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें, ये देखें हमारा पानी खुश्क हो रहा है, तकरीबन खुश्क हो चुका है, ये देखें। ये देखें हम आप इसे ऐसे चम्मच के साथ छोटे छोटे पीसेस और कर लेंगे। ये मैंने चिकन लिया था, और ये मैंने गाजर लिया, ये मैंने पहले दिखाना भूल गई थी, ये जिसको मैंने कद्दूकस किया है, बड़ी बड़ी सख्त होती है ना इस वजह से। और ये टमाटर है, ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, और ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसको बस सॉफ्ट करना है, टमाटर को भी ज़्यादा पकाना नहीं है, 2 से 3 मिनट बस इसको पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, इसको भी जस्ट हम सॉफ्ट करेंगे। आप मुझे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो बड़े दिल से और प्यार से बनाती हूँ, आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। ये प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें गाजर डाल देंगे। ये देखिए हमने जो बारीक बारीक हमने इसको किया था चॉप, इनको भी हम चॉप ही करेंगे, क्योंकि ये पहले ही बारीक है, तो इनको भी ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा हमें। और साथ इसके हम आप शिमला डाल देंगे, बस सारी चीज़ों को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, ऐसा ऐसा डालते जाना, दो मिनट तीन मिनट बाद सारी चीज़ों को हमने ऐसा ऐसा डालते जाना है, और इनको मिक्स करते जाना है। ये मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है,
मीडियम से ज़रा कम है, फ्लेम चलेगा। ये देखें, ये अब हो चुकी हैं सारी चीज़ें मिक्स और सॉक। अब हम इसमें मायोनीज डाल देंगे। हाँ, पहले जो हमने मायोनीज ली थी वो हमने इसमें डाल ली है और बिल्कुल हल्का फ्लेम मैंने कर दिया है चूल्हे का। ये देखिए, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने 2 से 3 चम्मच इसमें केचप भी डालना है। ये देखिए, मैंने 3 चम्मच इसमें केचप डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, और इनको आधे घंटे के लिए हमने छोड़ना है ठंडा होने के लिए। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको ब्रेड पे लगा लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है, यकीन जानिए ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये लाइव दिखा रही हूँ, इसमें मैंने कोई कट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, जैसे मैंने बनाया वैसे आप मेरे तरीके से बनाएंगी तो बहुत मज़े के बनेंगे। बस इस पर लगाते जाना है ऐसे, और दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रखते जाना है। ये देखें, अच्छे से किनारे भी आप कवर कीजिएगा। ये देखिए, अब हमारे ब्रेड तैयार हो चुके हैं, चिकन क्रिस्पी पैटीज। ये देखें, अब हम इसके लिए हमें चाहिए 2 अंडे, ये हमने तोड़ लिए हैं इसमें, और नमक डाला है थोड़ा सा चुटकी, और चुटकी हमने इसमें काली मिर्च डाली है। आपने 2 अंडे लेने हैं जिनको तोड़ के फेंट लेना है, और हमने इसमें 1/2 कप दूध डालना है। 1/2 से ज़्यादा ही डाल लीजिए, अगर कोई ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसके लिए डिप करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा लगता है। तो ये ब्रेड क्रम्स के साथ हम पहले इसमें डिप करके फिर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखें, अच्छे से कोट कीजिएगा, साइड भी इसकी पहले कवर कीजिएगा। ये देखें, ऐसे लगाना है आपने। अब मैं दूसरा लगा रही हूँ, ये चेक कीजिएगा। ये देखें, बस ऐसे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ये हम इसमें अब डालते जाएंगे। ये जाग बन जाती है अंडे की वजह से, क्योंकि अंडा और दूध होता है ना, तो उसकी वजह से जाग ऊपर आ जाती है ऑयल के। ये देखें, ये हम दूसरी साइड पलट देंगे। बड़े इतिहास से इसको करना पड़ता है, ज़रा ज़्यादा डाल दिए इस वजह से हिलाने में मुश्किल हो रही है। तो 3 डालने थे लेकिन मैंने 4 डाल दिए, आप एहतियात से कीजिएगा, ज़रा कम डालिएगा। ये मैंने एक साइड पर रखी है, इसको ब्राउन होने तक बनाना है। ये देखिए, एक साइड ब्राउन हो चुकी है, अब दूसरी। ये देखिए कितने मज़े के कलर आ रहे हैं इनके। दरमियानी आँच पे हमें इसको बनाना है, फ्राई करना है। ये बन चुके हैं, हम निकाल लेंगे। ये देखें, एक एक करके निकालते जाएंगे। ये देखें, हमारे क्रिस्पी चिकन पैटीज रेडी हो चुके हैं। हम अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कितने जमी और मज़े के हैं, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, अल्लाह हाफिज़। अब जब